हाँ जी, तो फाइनली हम आ गए हैं अपने एग्जाम डे पर, जो कि टेक्स्ट का आज के दिन पेपर है। अब होता क्या है, हमारे पेपर से जस्ट पहले हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती है, पहले तो ये मान के चलिएगा कि अभी तक आपने जो भी ग्रुप वन में एग्जाम्स दिए हैं उन सभी में सबसे मुश्किल पेपर मैनेज करने के लिए यही रहने वाला है। और आपको तैयारी करते समय भी पता चला होगा, कारण क्या है कि सबसे लेंथी पेपर वैसे तो एडवांस अकाउंट्स होता है, लेकिन एडवांस अकाउंट से पहले आपके पास इनफ टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर होता है। तो अब टेक्स्ट में क्या करें, तो टेक्स्ट में कुछ सवाल है जो एग्जाम में आपके बहुत सारा पेपर खराब होने से बचा लेगा, टाइम मैनेजमेंट को लेके पेपर ना छूट जाए या एक्स वाई जेड चीजें हो सकती है। तो मैं उसके लिए आपको एक एक चीज बताऊंगा आपको पेपर में किस तरीके से काम करना है। जैसे कि पहले 3 घंटा जो है आपका उसको ओवरऑल किस तरीके से मैनेज करना है, उसमें पहले 15 मिनट में क्या करना है, एमसीक्यू करें या डिस्क्रिप्टिव करें, और कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो बच्चे गलती करते थे टेक्स्ट के पेपर में, जो कि ओवर द पीरियड मैंने बच्चों से पूछा ऑब्जर्व किया, जो कि उनका पेपर छूट जाता है या खराब हो जाता है, आया हुआ क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, उन सभी गलतियों को अवॉइड किस तरीके से करना है ये मैं इस वीडियो को वीडियो में समझाऊंगा आपको। कोशिश करेगा इसको पूरी देखेगा, आपके काम आने वाली है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या करें, उससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि आपका पूरा जो पेपर है 3 घंटे का वो किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, प्लस आप उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, पहले जीएसटी करें या पहले इनकम टैक्स करें। तो मैंने कहा पहले मैंने जो 3 घंटे है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया है, पहला 1 घंटा, फिर दूसरा 1 घंटा, और फिर तीसरा 1 घंटा। किस तरीके से आप क्वेश्चंस को मैनेज करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। मैनेज करने के लिए मैंने आपके पास सितंबर 2024 का एमटीपी नंबर 2 खोल लिया है, पेपर कैसे दिख रहा होगा आपको और आपको किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं फटाफट से कि क्या करना है। तो जो 15 मिनट की बात है मैं अलग कर रहा हूँ, 15 मिनट आपको अलग मिलते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने कहा पहले जो 1 घंटा है ना, तो सभी लोग बोलते हैं कि जीएसटी को करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, छोटा पेपर, छोटे क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, आपका फ्लो बना रहता है। तो आप पहले 1 घंटे में करेंगे जीएसटी के क्वेश्चंस, ठीक है, पूरा 1 घंटा लगाएंगे जीएसटी के क्वेश्चन करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन भी करेंगे। जीएसटी वाले में आपको दिक्कत आनी नहीं है, जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इनकम टैक्स के क्वेश्चन में, जो कि क्या नाम है, वहां परेशानी आएगी आपको, जो 14-15 नंबर का क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो जो पहला 1 घंटा है आपका, उसमें आप इधर इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके, मतलब आप तो खैर पेज पलटेंगे, स्क्रॉल डाउन ना करके ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन खोल लेना आप, ठीक है। अब इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 1 घंटे के अंदर आपको पहले एमसीक्यू को ऐसे साइड कर देना, क्योंकि एक दो केस बेस क्वेश्चन आएंगे इसमें, दोनों से ही 15-15 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं, जीएसटी के कंपैरेटिवली आसान होंगे। तो ये जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है आपका, ये 2 हिस्सों में बटा होता है, जीएसटी वाला कंपलसरी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें वो भी बता रहा हूं। देखिए ये जीएसटी वाला जो कंपलसरी क्वेश्चन है, ये जनरली वैल्यू ऑफ सप्लाई से पेमेंट ऑफ जीएसटी से कंप्यूटेशन करिए जीएसटी लायबिलिटी की, इस तरीके से ये कंबाइंड होता है, इनपुट टैक्स रेट वगैरह की चीजें होती है, और 2 क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो कई बार इसमें ऊपर वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन, नीचे आईटीसी का क्वेश्चन, तो जीएसटी का कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपको सारी एंट्री आती है तो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। उसके बाद नीचे वाले हिस्से में आते हैं, यहां पर आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको फर्स्ट आवर में जो 1 घंटा है, कितने का पेपर अटेम्प्ट करना होता है आपको, आपको करना होता है जीएसटी का 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट। तो मेरा ऐसा मानना है, एमसीक्यू उसको हटा दिया मैंने अभी, अब मेरा ऐसा मानना है आपको कि 1 घंटा तो नहीं लगना चाहिए इसमें, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे कितना टाइम देना, 1.5 टाइम्स। 1.5 का मतलब ये है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 15 मिनट देने हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको क्या नाम है उससे उसके हिसाब से 22.5 मिनट देने, इस तरीके से। तो जीएसटी का अगर 35 मार्क्स का आप क्वेश्चन करने वाले हैं, और शुरू शुरू में थोड़ी सी स्पीड कोशिश करिएगा ज्यादा करेंगे, तो आप 50 मिनट्स अप्रोक्स में, 50 या 55 मिनट्स अप्रोक्स में आप कोशिश करिएगा कि वो हो जाए, प्लस 5 मिनट जो आपके बचेंगे, अब इतना तो कोई टाइम बाउंड होकर नहीं चलता, लेकिन कोशिश करना 5-7 मिनट ही ऊपर नीचे हो, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। इस 5 मिनट का जो टाइम होगा उसमें आप एमसीक्यूज खोलना, कौन से वाले, जो आपके केस बेस्ड एमसीक्यूज नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट वाले आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में टाइम मिल जाए तो ये जीएसटी का आपने एक हिस्सा 35 मार्क्स का उड़ा दिया, उड़ाने का मतलब पूरा सॉल्व कर दिया। फिर आए आप किस पे, फिर आए आप सर 1 घंटे इनकम टैक्स पे।
क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अगर आप फुल फ्लेज क्वेश्चन कोशिश करोगे, जीएसटी में अगर कुछ छूट भी जाता है तो एक घंटे के बाद उसे राइट करना बंद कर दीजिएगा। कारण यह है कि आपको इनकम टैक्स में पूरा इनकम टैक्स देखो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आपने क्वेश्चन उठाए होंगे जीएसटी के, तो जो जो आपको फुल फ्लेज तरीके से आते हो आपने बढ़िया तरीके से कर दिए होंगे। अगर आप सोचोगे नहीं पूरा जीएसटी खत्म करके ही चलता हूं, तो आप टाइम पास कर रहे होगे उस समय में, जिस समय में आपके पास इनकम टैक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और जीएसटी के बचे हुए क्वेश्चन जबरदस्ती तुक्का मारने से अच्छा है आप इनकम टैक्स के क्वेश्चन तब तक उठा लेना। मतलब जो 100% आपको जीएसटी में आता है पहले उन क्वेश्चन को करिए, फिर इनकम टैक्स उठाइए। जो 100% आपको कॉन्फिडेंस तरीके से आता है वो करिए। तो एक घंटे में आपने इनकम टैक्स उठा लिया। जब आप इनकम टैक्स उठाएंगे तो मेरी एक आपको सलाह है, जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है उसे ना उठाएं, बिल्कुल भी ना उठाएं। फंस जाएंगे, पता चलेगा कि 5 इसी में बच गए हैं, तो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन ना उठाएं। तो सर फिर क्या करेंगे? मैंने कहा अब आता हूं दिखाता हूं आपको इनकम टैक्स वाला हिस्सा। सॉरी, यह है सितंबर 2। अब पहला क्वेश्चन जो आपका यहां पर आया है यह है कंपलसरी क्वेश्चन, मैंने कहा एमसीक्यू वगैरह है। इसमें भी एमसीक्यू जो ज्यादातर आएंगे वो आपके केस बेस जाएंगे, लेकिन 2 से 3 एमसीक्यू आपको यहां पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख जाएंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इसे कर दीजिएगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब एंड में करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है? अब आ गए हम वापस। फिर आप पेपर को ना मेरे कहने की वजह से यहां से खोल के देखना, यहाँ इजी वाले पार्ट से खोल के देखना। इजी वाले पार्ट में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको रिटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। रिटर्न अच्छे से पढ़ के जाइएगा, रिटर्न के क्वेश्चन कंपलसरी मिलते हैं, और रिटर्न का ही एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है, अदरवाइज और भी किसी में नहीं मिलता है। तो रिटर्न का जो चैप्टर है वो आपके 4 मार्क्स गारंटी करा देगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी मिलता है और लास्ट में आपको सेट ऑफ के साथ साथ आपको दिखाई देता है। तो सेट ऑफ और रिटर्न को अच्छे तरीके से करके जाइएगा और आप यहाँ से क्वेश्चन को उठाइएगा क्वेश्चन नंबर 4 से, और जनरली इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। फिर आप थोड़ा सा मूव अप करिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखेंगे, शायद आपको कैपिटल गेन के क्वेश्चन दिख जाए, या आपको हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन दिख जाए, या आपको सैलरी के क्वेश्चन दिख जाए। तो जब आप अपवर्ड्स जाएंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में गारंटी में आपको क्वेश्चन मिलेगा फटाफट से। कहां-कहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको? एक तो टीडीएस टीसीएस से गारंटी क्वेश्चन मिलेगा। आई होप जिन जिन बच्चों ने कल मैसेज किए थे रात को, इवन 2:30 बजे तक भी मैंने आपको क्या नाम है वो भेजे थे, आपने जो जो चीजें मांगी थी आपको, आई होप आपने अच्छे तरीके से कर लिया होगा। तो टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन आपको मिलेगा, रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पहले वाले पार्ट में। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो भी क्वेश्चन आसान होगा। अब होगा क्या, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन के चक्कर में इतना पड़ जाएंगे तो आपको परेशानी आ जाएगी, इसीलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आप पूरा 1 घंटा लगाइए और इसका ये एक वाला हिस्सा, बी वाला हिस्सा, और फिर यहां पर आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन का 3rd वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, और जो 4th वाला क्वेश्चन है वो आपका कहां से आएगा? क्लबिंग से आ जाएगा, आईओएस से आ जाएगा, सेट ऑफ से आ जाएगा। तो छोटे छोटे चैप्टर से यहां से आपको पेपर मिलने वाला है। अब हुआ क्या, जरा टाइम मैनेजमेंट में आते हैं। तो सर इनकम टैक्स में भी हम 1 घंटा लगाएंगे, मतलब 2 से लेकर 3 बजे तक जीएसटी करेंगे, 3 से लेकर 4 बजे तक हम इनकम टैक्स करेंगे। इनकम टैक्स का छोटा छोटा हिस्सा, जीएसटी आप पूरा कर लेंगे कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, इनकम टैक्स करने में टाइम लगेगा आपको। तो अब आपके पास क्या बचा? तो सर अब आपके पास बचा है पूरा 1 घंटा। अब सर 1 घंटे में हमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1 घंटे में आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट 30 मिनट्स हैं उस फर्स्ट 30 मिनट्स में कोशिश करिएगा, 30 से लेकर मैंने कहा मान लीजिए 35 मिनट्स में आप कोशिश करिएगा अब सारे एमसीक्यूज उड़ा दीजिए, एमसीक्यूज। फिर जो लास्ट के 25 मिनट्स बचेंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है इनकम टैक्स का उसे शुरू में लेके बैठ जाते हैं और 1 घंटा लगा देते हैं उसमें। अब आप चाह के भी 25 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो अब क्या करेंगे आपके, सर ये रहा मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स का, आप बताओ कैसे अटेम्प्ट करूं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स का है इसमें आपसे पूछेगा कि भाई बताओ अपनी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको निकालना है मेन आंसर से पहले वहां पर बनाना वर्किंग नोट्स, मेन आंसर मत करना पहले वर्किंग नोट्स बनाना, और वर्किंग नोट्स में हेड वाइज कैलकुलेशन करना कि जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है तो आप वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे और हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखेंगे, असेसमेंट ईयर वगैरह की। अगर सैलरी की इंफॉर्मेशन है तो सैलरी लिखेंगे, पीजीवीपी की इंफॉर्मेशन तो अलग से मिलेगी, पीजीवीपी का पार्ट अलग सॉल्व करेंगे, कैपिटल गेन का कोई हिस्सा है, आईओएस का कोई हिस्सा है, तो ये सब वर्किंग नोट्स अलग अलग बनाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आती है। ये वर्किंग नोट्स बनाना और टोटल इनकम निकालने में आपको बाय डिफॉल्ट टैक्स ये वो झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? टोटल इनकम में आप आ गए। अब जब आप टोटल इनकम पे आ गए, कैसे पता चला सर आपको ऐसे काम होता है? ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जीएसटी के जो मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले, अगर बच्चों ने नहीं देखे कल वाले देख लेना, आप काफी सारी एडजस्टमेंट आपको ऐसे ही मिल जाएगी। टैक्स कंसल्टेंट को दिए थे ना एडमिनिस्ट्रेशन पर एक्सपेंसेस, टैक्स और कैश में दिए थे, क्योंकि ये 10,000 से ऊपर है इसलिए डिसअलाउड होगा, है ना? और बाकी आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर ऑनलाइन वगैरह की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो आपको पता चला होगा कि डिडक्शन में जाएगा। डिडक्शन का आपने एक अलग नोट बना दिया कि सर डिडक्शन हम इस तरीके से निकाली है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन होगा ना
आप उसे फुलफ्लेज सॉल्व करने के तरीके से जाएंगे तो चांसेस है कि पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको स्टेप मार्किंग चाहिए तो आप सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईओएस, इन सभी के इंफॉर्मेशन को कंबाइंड कर लीजिएगा कि अलग अलग तरीके से आपने इनके वर्किंग नोट्स बनाए, और आपको पक्का पक्का स्टेप मार्किंग मिलेगी। और अगर ये तो खैर पीजीबीपी डोमिनेटेड क्वेश्चन मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में बड़ा वाला, वहां पर दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बाकी पीजीबीपी डोमिनेटेड क्वेश्चन आया तो उसके लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, 110% आपको उसमें से एडजस्टमेंट मिल जाएगी। तो यह है आपको पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है। अब क्या क्या गलती नहीं करनी है मैं आपको बताता हूं। देखिए कई बार क्या होता है, हमने डिसाइड किया हम ये क्वेश्चन करेंगे, पहले नंबर पे करेंगे, चाहे वो जीएसटी का है या इनकम टैक्स का, लेकिन वो उसमें गड़बड़ हो गई, सॉल्व नहीं हो रहा, कैलकुलेशन एरर हो रही है, कुछ भी परेशानी हो रही है, क्या हमें एग्जामिनर के जो चेकर है उसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा उस पर ध्यान देना है, क्वेश्चन पे? सर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो रहे हैं, इसका मतलब ये है आप रिमेनिंग क्वेश्चन का टाइम खत्म कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स बचा हुआ है उसका टाइम खत्म कर रहे हैं। तो सर हर एक क्वेश्चन में सभी बच्चे टाइम फ्रेम लगा के चलेंगे कि 1.5 टाइम्स से ज्यादा टाइम नहीं देना है। अब इसका क्या चक्कर है वो मैं आपको बताता हूँ। 30 मार्क्स के मैंने एमसीक्यू साइड कर दिए, अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचे 70 मार्क्स के क्वेश्चन। 70 मार्क्स को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 105 मिनट्स। अब 105 मिनट्स का मतलब क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। आपने कहा कि सर 60 मिनट, मतलब अगर ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो मैक्सिमम 2 मिनट लगा देना, अगर किसी में फंस जाए तो 2 मिनट का मतलब यह है 2x टाइम आप दे दीजिए, अदरवाइज आप इससे ज्यादा समय मत दीजिए, टाइम वॉच वगैरह लेके जाइएगा, अदरवाइज आप पेपर में फंस जाएंगे। और मैंने जो बताया आपको बहुत 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 पेपर टफ आने वाला है, अब उसकी कहानी को रिवील कर देता हूं मैं कि जो पेपर बहुत ज्यादा टफ आने वाला है उसमें आपको क्या करना है। उसमें सर आपको क्या करना है, पेपर को नीचे की साइड से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो लास्ट वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके बहुत आसान आने वाले हैं, चाहे वो जीएसटी है चाहे वो इनकम टैक्स। और स्पेशली इनकम टैक्स में मैं आपको बताता हूं, आपको रिवर्स ऑर्डर में अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में आपको कौन-कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सर रिवर्स ऑर्डर में आपको रिटर्न का क्वेश्चन मिलने वाला है, रिवर्स ऑर्डर में आपको सेट ऑफ का क्वेश्चन मिलने वाला है, रिटर्न में आपको हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, टीडीएस, टीसीएस, सैलरी, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको दिखने को मिलेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको इससे तो डर लग रहा होगा, डर आपको जो लग रहा होगा वो कंपलसरी क्वेश्चन से ही लग रहा होगा। तो मेरे बच्चे आप पहले इन सभी को ठीक करना, तब किसी कंपलसरी क्वेश्चन पे भिड़ने की कोशिश करना। बाकी जो जीएसटी वाला है मुझे लगता नहीं कि हर बार ही मुश्किल देते, कई बार आसान भी दे देते, तो कंपलसरी क्वेश्चन जो जीएसटी वाला है वो 2 हिस्सों में आएगा, और जो उसका दूसरा पार्ट होगा वो आप आराम आराम से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अपने प्रोविजन पे और अपनी तैयारी पे पूरा पूरा ध्यान दीजिए, किसी भी अब रिविजनरी वीडियो, थ्योरी, इंपॉर्टेंट वगैरह को मत देखिए, सीधा सीधा जो जो चीजें आपके पढ़ रखी है, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड है चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, प्लीज 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 उन्हें पढ़ के जाइए। इनकम टैक्स में मैंने आपको बताया पेपर कहां से आएगा, उन चैप्टर्स मैंने आपको मार्क करा, ऐसे में जीएसटी में बता देता हूं आपको कि जीएसटी में देखिए लास्ट में पेपर कहां से आता है, गुड्स एंड सर्विस प्रैक्टिशनर वाला बार बार वो मार्क कर रहा है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। और ये आपको रिवर्स चार्ज वाला पॉइंट आपको जरूर करना है, कंपोजिशन आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी में इतनी आसान आसान चीजें हैं, पता नहीं आप बच्चे क्या माइंडसेट बना के चलते हैं कि सर पहले वाले क्वेश्चन में फंस जाएंगे, पहले वाला क्वेश्चन अगर आप छोड़ दें तो कितना आसान है, पूरा चैप्टर कितने आसान है आपको, और वहां से क्वेश्चन मिलने ही मिलने वाले, प्लेस ऑफ सप्लाई से 110% क्वेश्चन आएगा, सबको पता है, तो उसको पढ़िए। तो ये वो सारी चीजें चैनल पे भी अवेलेबल है, लेकिन लास्ट मिनट में तो मैं आपको बोलूंगा नहीं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा, इस टाइम टेबल को फॉलो करिएगा। 15 मिनट में क्या करना है वो बता देता हूं बस मैं आपको लास्ट में, और फिर आप चले जाइएगा। अब मैं पॉजिटिविटी के साथ आपको बता रहा हूं कि 1-2 क्वेश्चन जो कंपलसरी वाले हैं वही मुश्किल आएंगे, अदरवाइज पेपर बहुत ही आसान रहने वाला है, आप एमसीक्यू वगैरह आसानी से सॉल्व कर देंगे। पहले 15 मिनट में क्या करना है, पहले 15 मिनट में कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पहले 15 मिनट में इनकम टैक्स नहीं पढ़ना है, पहले 15 मिनट में पहले जीएसटी पढ़ना है, और आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है। जैसे ही जीएसटी पढ़ ले आप और सीक्वेंस डिसाइड कर ले, उसके बाद इनकम टैक्स पे जंप मत करिएगा, एक बार ओवरव्यू देख लीजिएगा कि बस कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, कंपलसरी क्वेश्चन से मत करिए, और पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा जाने वाला है आपका, एमसीक्यू भी आप कर पाएंगे। और अगर कोई एमसीक्यू आपका आंसर ना रहा तो घबराइएगा मत, मुश्किल होंगे तो सभी के लिए मुश्किल होंगे, और आसान होंगे तो सभी के लिए आसान होंगे, छोड़ के मत आइएगा एमसीक्यूज, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पॉजिटिविटी के साथ जाइएगा। और मैं चाहता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन गलत प्रूव हो, मुझे लगता है पेपर अटैक्स का मुश्किल आएगा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि भगवान इस प्रेडिक्शन को गलत कर दे और मुश्किल बिल्कुल भी ना आए। और अगर मुश्किल आए तो मैंने आपको बता दिया 1-2 क्वेश्चन दोनों में ही मुश्किल मुश्किल दिख जाएंगे, कुछ आपको एमसीक्यू मुश्किल दिख जाएंगे, बाकी पेपर वैसे ही आसान रहने वाला है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर होकर चल रहे होंगे, क्योंकि मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि आपको मुश्किल पेपर के लिए तैयारी की थी, तो तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो गई होगी। तो जैसे ही पेपर खत्म होगा ऑल द वेरी बेस्ट, मैंने इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताया कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे ही पेपर खत्म होगा
मैं आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन रिव्यू वीडियो सब ला के दूंगा, और जो बच्चे ग्रुप टू के हैं वो जुड़े रहिएगा, आपके लिए सारी चीजें मैं लेके आऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों के साथ तैयारी करके इस अटेम्प्ट में आया, बहुत सारा मजा। आगे के लिए भी जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसकी प्रिपरेशन वीडियोज अभी से आपको मिल जाएंगे, पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, एबीसी एनालिसिस कैसे रहने वाली है। अगर आप कोई कोर्स भी बाय करना चाहते हैं, किसी भी रिविजनरी वीडियो में मैंने कोर्स की बातें नहीं की है, लेकिन अगर आप कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या नाम है लिंक है kdcclasses.in का, वहां से जाके आप कोई भी कोर्स बाय कर सकते हैं एग्जाम के डेज में, जो कि बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में आपको जनवरी 25 के लिए मिल जाएंगे। तो मिलता हूं किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।